ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ भारत की ही सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है, बल्कि चीन तो ऐसा देश है जो हर दूसरे देश में अपना मुंह घुसाता है। अब भारत की सीमा को तो लांघ ही रहा है, साथ ही ताइवान में भी ताइवानी एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है, जिसके बाद अब चीन के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए ताइवान ने अपनी नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने सैन्य ताकत में इजाफा करने के लिए रिजर्व सैन्य बलों को और मजबूत करने के लिए कई नई घोषणाएं की हैं, जिसके तहत रिजर्व फोर्स को ताइवानी सेना के लिए मजबूत बैकअप के रूप में विकसित किया जाएगा। त्साई ने सशस्त्र रिजर्व कमान में आयोजित एक पुरस्कार समारोह के दौरान चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूत करने की बात कही, जिसके तहत एक रिजर्व फोर्स बनाया जाएगा जो नियमित सशस्त्र बलों की तरह ही ताकतवर होगा। उन्हें वो सभी हथियार और सैन्य साजो सामान दिए जाएंगे जिसका इस्तेमाल ताइवानी सेना करती है। विभिन्न बलों के बीच में रणनीतिक समझ और विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग भी विकसित करने की तैयारी है। ताइवानी राष्ट्रपति की तरफ से ऐसे वक्त में ये घोषणा किया जाना इसलिए खास है क्योंकि चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है और ताइवान को भी एक देश दो तंत्र के तहत मिलाने की धमकी दी है। और फिर चीन ने कोई पहली बार ताइवान को धमकाया नहीं है, चीन इससे पहले भी ताइवान को अपने देश में मिलाने के लिए धमकाता रहा है। ये चीन इसलिए करता है क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए सेना के इस्तेमाल पर भी जोर देती आई है। ताइवान के पास अपनी खुद की सेना भी है जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और ये वजह भी चीन को काफी अखरती है। फिलहाल ताइवान और अमेरिकी नेवी साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रही है, ऐसे में तो चीन के सीने पर मानो सांप लौट रहा है। एक तो साउथ चाइना सी से उसका प्यार, उसके बाद ताइवान को हथियाने की उसकी कोशिश और फिर इन सब में अभी हाल ही में चीन के दुश्मन बने अमेरिका का इन्वॉल्व होना। चीन को ये सब कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, नागवार गुजर रहा है, इसलिए अब चीन ताइवान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को तेज करना चाहता है। लेकिन अब ताइवान की सेना भी मजबूत हो चली है और चीन का सामना करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार बैठी है।